हेलो, इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन एंटिटी इंटीग्रिटी रूल एंड इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स, एक्सप्लेन द टू कॉन्स्ट्रेंट्स चेक एंड फॉरेन की इन एसक्यूएल। सो सबसे पहले शुरू करते हैं कि एंटिटी इंटीग्रिटी रूल होता है क्या। तो ये जो रूल है ये इंश्योर करता है कि कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ना हो किसी भी टेबल के अंदर। तो अब अगर आप डुप्लीकेसी रोकना चाहते हो तो जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन चीज़ है जो यूज़ होती है दैट इज़ प्राइमरी की। तो प्राइमरी क्या करता है, इट इंश्योर करता है कि जो हर रो है टेबल की वो यूनिक हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉलेज में या स्कूल में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका रोल नंबर यूनिक होता है, तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट रोल नंबर इज़ अ प्राइमरी की, क्योंकि किसी भी दो स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम नहीं होता। ठीक है, अब प्राइमरी की दो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो कांट हैव नल वैल्यूज, कि जो प्राइमरी की कॉलम होगा उसमें कभी भी नल वैल्यूज़ नहीं हो सकती और मस्ट बी यूनिक। तो ये तो हो गया एंटिटी इंटीग्रिटी रूल, जो कि बेसिकली डील करता है किससे, प्राइमरी की से। अब इसके बाद बात आती है कि इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं। सो बेसिकली देर आर फोर इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। सो पहले थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या कहता है ये। सो दे आर सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, क्या इंश्योर करते हैं, डेटा इंसर्शन अपडेशन हैव टू बी परफॉर्म्ड इन अ वे दैट डेटा इंटीग्रिटी इज़ नॉट अफेक्टेड। कि जितना भी आप डेटा का इंसर्शन कर रहे हो, अपडेशन कर रहे हो, या आप कोई भी और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो इस तरह से होना चाहिए कि जो डेटा की इंटीग्रिटी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। सो इस वाले वीडियो में मैं आपको इन चारों के सिर्फ नाम बता रहा हूँ। जो इससे बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं इन चारों को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जाम्पल। तो ये चार होते कौन से हैं आप लिख लीजिए। सबसे पहला है डोमेन कॉन्स्ट्रेंट, सेकेंड इज एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, थर्ड इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, जो कि फॉरेन की से लिंक है। सो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट, एंड फाइनली द फोर्थ इज की कॉन्स्ट्रेंट। तो ये जो चार होते हैं ये इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे जो इसमें कहा गया, एक्सप्लेन द टू कॉन्स्ट्रेंट्स डेट इज चेक एंड फॉरेन की इन एसक्यूएल। तो अब देखो चेक कॉन्स्टेंट होता क्या है। चेक कॉन्स्टेंट इज यूज टू लिमिट द रेंज और फोर्स द एसक्यूएल टू हैव स्पेसिफाइड सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, सो इट इज यूज टू लिमिट द रेंज। ठीक है, सो या फिर आप कह सकते हो लिमिट द रेंज या फिर अलाउ ओनली सेट ऑफ वैल्यूज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हो जिसमें आप कहते हो कि एम्प्लॉय की टेबल है, तो आप इंश्योर करना चाहते हो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी एज 18 से ज़्यादा हो, तो आप एज कॉलम के ऊपर एक चेक कॉन्स्टेंट लगा दोगे कि जो एज है वो 18 से ज़्यादा हो। तो कैसे लगाएंगे, देखो मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ। सो जब क्रिएट टेबल करते हैं तभी हम लिखते हैं इसे। सो क्रिएट टेबल, टेबल नेम है एम्प्लॉय, सपोज़ एक मैंने ले लिया आईडी इंट, डायरेक्टली मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एज वाला। सो एज इंट कॉलम, अब आपको यहाँ पर लगाना है चेक कॉन्स्टेंट। तो आप कैसे लगाओगे, यू हैव टू राइट चेक देन ब्रैकेट में कंडीशन कि जो एज है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। सो इस तरह से चेक कॉन्स्टेंट काम करता है। तो अब क्या होगा, अगर आप कोई भी एक रो एंटर करने की कोशिश करोगे जिसकी एज 18 से कम है तो वो आपको एंटर करने नहीं देगा, इंसर्ट करने नहीं देगा उसको। सो दैट इज चेक कॉन्स्टेंट। फॉरेन की का यूज होता है फॉर लिंकिंग द टू टेबल्स। सो इट इज यूज टू लिंक टू टेबल्स टूगेदर। ठीक है,
कि दो टेबल्स को लिंक करने के काम में आता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं एम्प्लॉई का, तो एम्प्लॉई टेबल में एक होता है एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉय का नेम, और एक होता है डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, अब ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, दिस इज़ द फॉरेन की इन दिस टेबल एम्प्लॉय, बट इट इज़ द प्राइमरी की ऑफ सम अनदर टेबल, और वो अनदर टेबल कौन सी होती है? डिपार्टमेंट। सो डिपार्टमेंट आईडी और लेट अस से डिपार्टमेंट नेम। तो ये जो डी आईडी है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द फॉरेन की जो कि प्राइमरी की है किसी और टेबल में। ठीक है, तो अब इसको कैसे बताओगे कि ये फॉरेन की है इस टेबल के अंदर? तो जब आप लिखोगे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, सो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, मैं बाकी सारे कॉलम्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सीधा इस वाले कॉलम के ऊपर आ रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे बनाया डी आई डी ऑफ टाइप इंट, देन यू हैव टू राइट फॉरेन की, फॉरेन की आपको लिखना है इधर। ठीक है, किसको फॉरेन की बनाना है? डी आई डी को। सो फॉरेन की डी आई डी, देन रेफरेंसेस, किसको रेफर कर रहा है? तो लिखना है आपको यहाँ पे रेफरेंसेस, किसको रेफर कर रहा है? डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आई डी को। सो रेफरेंसेस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आई डी। सो इस तरह से फॉरेन की कॉन्स्टेंट बना सकते हो आप। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें मैंने इन चारों कॉन्स्टेंट्स को विद एग्जाम्पल डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।